दोस्तों क्रिकेट का जन्म तो इंग्लैंड में हुआ था, पर ये एक ऐसा स्पोर्ट है जो सिर्फ इंग्लैंड में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के कोने कोने में खेला जाता है। दोस्तों क्रिकेट एक ऐसा स्पोर्ट है जिसके पीछे बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबके सब दीवाने हैं, और इस दुनिया में ऐसे कई क्रिकेटर्स हैं जो अपनी फैन फॉलोअर्स हो या फिर नेटवर्थ, सभी ओर से बॉलीवुड या फिर हॉलीवुड एक्टर्स को भी टक्कर देने के बराबर हिम्मत रखते हैं। और वो लोग जिस तरह की लग्जरियस लाइफस्टाइल जीती है, कोई हॉलीवुड सेलिब्रिटीज शायद ही इस तरह की लाइफस्टाइल जी पाते। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्रिकेट हिस्ट्री की एक ऐसी शख्स के बारे में जिन्होंने वाकई क्रिकेट को हिस्ट्री की पन्नों में लिखने की ताकत दिखाई है। इनके बल्लेबाजी हो या फिर कैप्टेंसी, हर दिशा में इनका जादू छाया हुआ है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर रिकी पोंटिंग की लाइफस्टाइल और बायोग्राफी के बारे में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखना, और अगर आपको भी रिकी पोंटिंग पसंद है तो इस वीडियो को कर दे लाइक। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इनका रियल नेम रिकी थॉमस पोंटिंग है और निक नेम रिकी है, और ये पेशे से एक फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है। इनका जन्म 19 दिसंबर सन 1974 को ऑस्ट्रेलिया तास्मानिया की लंचेस्टन में हुआ था, और 2022 के हिसाब से रिकी पोंटिंग अब 48 साल का हो चुका है। दोस्तों रिकी पोंटिंग नेशनलिटी से ऑस्ट्रेलियन है और रिलीजियन से क्रिश्चियन है। और बात करें जोडेक साइन के बारे में तो इनकी जोडेक साइन है सेगटेरियस। दोस्तों इन्होंने अपनी स्कूलिंग की पढ़ाई किया है मोब्रे हाइट्स प्राइमरी सीनियर हाई स्कूल लंचेस्टन से, जिसके बाद इन्होंने कभी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं ली और इसके बजाय इन्होंने स्पोर्ट्स क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन कर ली। दोस्तों तास्मानिया की लंचेस्टन में जन्म लेने वाले रिकी पोंटिंग ग्रेम और लॉरेन पोंटिंग की चार बच्चे में से सबसे बड़े बेटे हैं। इनके पिताजी ग्रेम एक बेहतरीन क्रिकेटर थे जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन रूल्स फुटबॉल में भी हिस्सा लिया है, और आपको बता दें कि इनकी माँ लॉरेन एक विगोरो चैंपियन रह चुकी है। चलिए दोस्तों बात करते हैं रिकी पोंटिंग की करियर के बारे में। दोस्तों रिकी पोंटिंग के पिताजी और उनके एक मामा एक बेहतरीन क्रिकेटर रह चुके हैं, और इसी वजह रिकी पोंटिंग ने अपने पिताजी की तरह एक बेहतरीन क्रिकेटर बनने के लिए क्रिकेट की ट्रेनिंग लेना शुरू कर दी। दोस्तों सन 1985 में जब इनकी उम्र 11 साल था तब इन्होंने पहली बार के लिए मोबड़े में अंडर 12 की टीम में खेला था। इन्होंने सन 1986 में तस्मिनिया की एक जूनियर क्रिकेट में हिस्सा ली थी जो कि लगातार 5 दिन तक चली थी, और इसी खेला में इन्होंने लगभग 4 बार के लिए सेंचुरी की थी। दोस्तों अगर नजर डाला जाए इनके इंटरनेशनल डेब्यू के ऊपर तो इन्होंने 15 फरवरी सन 1995 में ओडीआई में डेब्यू की थी, और ये मैच खेला गया था साउथ अफ्रीका के खिलाफ। और इसके बाद 11 दिसंबर सन 1995 में इन्होंने श्रीलंका के खिलाफ होकर टेस्ट में डेब्यू की, और इसके बाद इन्होंने 17 फरवरी सन 2005 को टी20 में डेब्यू की थी, और ये मैच खेला गया था न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। और अगर बात किया जाए आईपीएल के बारे में तो इन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस की टीम में खेल चुके हैं। इनके जर्सी नंबर है 14। और बात करें इनके फेवरेट शॉट के बारे में तो इनके फेवरेट शॉट है पुल शॉट। दोस्तों रिकी पोंटिंग ऑस्ट्रेलिया की पहला क्रिकेटर है जिन्होंने टेस्ट और ओडीआई में सबसे ज्यादा रन बनाया है, और आपको बता दें कि इन्होंने 3 बार के लिए वर्ल्ड कप जीता है। इन्होंने सन 1999 में, सन 2003 में और सन 2007 में वर्ल्ड कप जीता था। चलिए दोस्तों बात करते हैं रिकी पोंटिंग की फैमिली के बारे में। दोस्तों रिकी पोंटिंग के पिताजी के नाम है ग्रेम पोंटिंग और माताजी के नाम है लॉरेन पोंटिंग। और बात करें इनके सिबलिंग्स के बारे में तो आपको बता दें कि रिकी पोंटिंग की 2 भाई और 1 बहन है। और बात करें इनके मैरिटल स्टेटस के बारे में तो रिकी पोंटिंग मैरिटल स्टेटस की ओर से मैरिड है, और इनकी वाइफ की नाम है अरियाना जेनिफर। दोस्तों इन्होंने शादी की थी सन 2002 में, और इनकी 3 बच्चे भी है। इनकी बेटी की नाम है इम्मी और मेटिस, और बेटे की नाम है फ्लेचर विलियम। चलिए दोस्तों बात करते हैं इनके हाउस के बारे में। दोस्तों अगर बात करें इनके हाउस के बारे में तो आपको बता दें कि रिकी पोंटिंग अपनी फुल फैमिली के साथ ऑस्ट्रेलिया तस्मिनिया में रहती है, और आप स्क्रीन पे इनके घर के कुछ झलक देख सकते हैं। चलिए दोस्तों बात किया जाए रिकी पोंटिंग की कार कलेक्शन के बारे में।
दोस्तों आपको बता दें कि रिकी पोंटिंग के पास एक बहुत ही लग्जरियस कार है जिसका नाम है फेरारी इंजो। और बात करें इनके टोटल नेट वर्थ के बारे में तो 2022 के हिसाब से रिकी पोंटिंग की टोटल नेट वर्थ है लगभग 120 करोड़ रुपए। तो दोस्तों ये थे आपकी फेवरेट क्रिकेटर रिकी पोंटिंग की लाइफस्टाइल और बायोग्राफी वीडियो। वीडियो आपको कैसा लगा ये नीचे कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों अगर अच्छे लगे तो एक लाइक जरूर कर दे इस वीडियो के लिए, और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दे। दोस्तों फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखा करें।